अल्लाह ताला का फजलो करम है कि हम और आप ये जो वबा की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल में जी रहे हैं, इस सूरत हाल में हम और आप मस्जिदों से दूर कर दिए गए थे, मस्जिदों में जाकर इबादत करने से महरूम हो गए थे। रमजान पूरा गुजर गया, ईद की नमाजें तक हम में की अक्सरियत ने अपने अपने घरों में अंजाम दी है। आज अल्लाह का फजलो करम है, जिस वक्त मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, खबरें ऐसी आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं, हो सकता है शायद हमारी गुफ्तगू जब तक आप तक पहुंचे या जब आप ये गुफ्तगू सुन रहे हो मसला साफ हो चुका हो कि ये खबरें आ रही हैं कि अगले दो चार दिन के अंदर हो सकता है हुकूमत लॉकडाउन में इतनी छूट दे कि मस्जिदों में इबादत के लिए कुछ शराइत के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत मिल जाए। सुभान अल्लाह, ये रब्बे ज़ुल जलाल का करम नहीं तो और क्या है। इतनी तवील दूरी के बाद, मस्जिदों से इतनी लंबी जुदाई के बाद अल्लाह ताला ने फिर से हमें और आपको मस्जिदों से जोड़ने के लिए दरवाजा खोलने का इंतजाम किया हुआ है। इस दरमियान बहुत सारे लोग दुनिया से वैसे ही रुखसत हो गए, वो दुनिया से रुखसत हुए तो इस हालत में कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उन्हें मस्जिदों से जुड़ने का मौका नहीं दिया, उसमें उनको गुनाह नहीं है। लेकिन जो सआदत मस्जिद से जुड़ने की मुझको और आपको नसीब हो रही है, वो सआदत उनको नसीब नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर लॉकडाउन 5 के अंदर अगर मेरे और आपके सामने पता ये चल रहा है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से सूबाई हुकूमतों को छूट होगी कि वो अपने अपने इलाके में जैसे हुकूमत मुनासिब समझे हिदायत जारी कर सकती है, तो मुसलमान इस सूरत हाल को देखे, यहां दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि बीमारी के खतरात के एतबार से हमें किन पाबंदियों का लिहाज रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, वजू के पानी वगैरह का, मस्जिद के तौलिए का, टोपी का, मस्जिद के कालीन वगैरह के हटाने वगैरह का क्या पाबंदियां बीमारी से बचने के लिए जरूरी हैं, इसका भी ख्याल रखें। और दूसरी तरफ जितनी छूट मिल रही है उस छूट में हम मस्जिदों से किस हद तक जुड़ सकते हैं, अपने आप को मस्जिदों से जोड़ने की भी फिक्र करें। इस सिलसिले में अहले इल्म तफसीली हिदायत आपको देंगे और देते रहेंगे, लेकिन आज की इस गुफ्तगू में मैं आप भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि 2 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया मस्जिदों से हम और आप कटे हुए, मस्जिदों से हम और आप दूर हैं। ये नेकबख्ती है, खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला मस्जिदों की तरफ वापस लौटने के दरवाजे खोलने जा रहा है। इस मौके पर मैं और आप दिलो जान से अपने आप को मस्जिदों से जोड़ने की कोशिश करें। एक मोमिन मस्जिद से जुड़े बगैर अधूरा रहता है, उसके ईमान और ईमान के तकाजे कमा हक़ पूरे नहीं होते अगर मस्जिद से उसका रिश्ता ना हो। अब तक हमारे सामने मजबूरी थी, मजबूरी के बाद अब हमारा और आपका के शौक का, हमारी और आपकी मोहब्बत का मस्जिदों से, अल्लाह के घर से, अल्लाह ताला से मोहब्बत का एक इम्तिहान है कि हम कैसे इसकी तरफ पलट कर आते हैं। सुभान अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस सिलसिले में बड़ी प्यारी हदीस रिवायत की है। सही इब्ने खुज़ैमा और सुनन इब्ने माजा वगैरह के अंदर यह रिवायत अल्फाज के थोड़े फर्क के साथ आई है। फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने यह बात बयान फरमाई कि जब कोई बंदा मस्जिद से जुड़ा रहता है, तवत्तन अल मसाजिद, मस्जिदों को अपना घर बनाए रहता है, यानी मस्जिदों में आने जाने का, मस्जिद में इबादत करने का पाबंद रहता है, फिर किसी बीमारी की वजह से, किसी उज्र की वजह से मस्जिद से कट जाता है और उज्र के खत्म होने के बाद दोबारा लौट कर आता है, इल्ला तबशबश अल्लाहु ला कमा यतबशबशु अल अहलु लिगाइबिहिम, अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही खुशी से उन बंदों का इस्तकबाल करता है जैसे किसी घर से गायब हो जाने वाले इंसान का घर वाले इस्तकबाल करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके लौटने पर खुशी महसूस करेगा। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी सआदत क्या होगी कि मस्जिद की तरफ लौटना ये मेरी और आपकी सआदत है, मेरी और आपकी जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला के इस्तकबाल या अल्लाह ताला की खुशी के हम और आप हकदार बन जाएंगे। नाज़रीन किराम, ख्वातीन के लिए जो मसाइल होंगे, जो पाबंदियां होंगी, वो अपने लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए हो सकता है पाबंदियां रहें या छोटे बच्चों के लिए हो सकता है पाबंदियां रहें, लेकिन जिनके लिए कोई उज्र ना हो, जिनके लिए कोई उज्र ना हो, तो वो लोग मस्जिदों से जुड़े, बाकायदा जुड़े। आपको याद होगा
लॉकडाउन की इब्तिदा में हमने आपसे ये अपील की थी कि मस्जिदों में हाजिरी पर इसरार न करें, इसलिए कि हालात और जो बीमारी के तकाजे शरई तकाजे भी हैं कि आप मस्जिदों में हाजिरी पर इसरार न करें। लेकिन आज हम पलट कर आपको याद दिलाना चाहते हैं शरई तालीमात की रोशनी में और जो हालात आएंगे उनकी रोशनी में अहले इल्म की तरफ से जब आपके सामने ये बात रखी जाए कि मस्जिदों में मर्दों को हाजिर होना चाहिए सिवाय उनके जिनको मुस्तस्ना किया जाए उनके उज्र की वजह से, उनके हालात की वजह से, तो फिर हर मुसलमान को फिर से पंज वक्ता नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए। अगर इजाजत मिलती है, जैसे कुछ हालात हो रहे हैं, अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह जुमा और जमात सबका एहतमाम कसरत से हम और आपको फिर से वैसे करना चाहिए जैसे हम और आप करते आए थे। हाजीन गिरामी, आज की इस गुफ्तगू में मुझे ज्यादा कुछ और बातें नहीं कहनी है, यही दो अहम बातें थी, एक शव्वाल के महीने और इस महीने के रोजों से मुतालिक याद दहानी करवानी थी और दूसरी तरफ आपको खुशखबरी देनी थी कि अल्लाह ताला ने एक आजमाइश के बाद फिर से हम और आपको मस्जिदों से जुड़ने का मौका दिया है, तो हम और आप उसी खुशी के साथ, उसी दिलचस्पी के साथ, उसी दिल जमी के साथ, उसी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला के घरों की तरफ लौट कर आए और अपने आप को मस्जिदों से जोड़ लें कि मस्जिद से जुड़कर हम पूरे होते हैं, मस्जिद से जुड़कर मेरा और आपका दीनों ईमान मुकम्मल होता है, मस्जिद से जुड़कर मेरी और आपकी इबादतें मुकम्मल होती हैं, और सच कहें तो मस्जिदों से जुड़कर ही मेरी और आपकी जिंदगी का सुकून मुकम्मल होता है, यह सुकून मुझको और आपको हकीकत में मैसर आता है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख्वातीन को जो बातें कहीं सुनी गई हैं कहने और सुनने से ज्यादा इनको समझकर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।